नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, तो उनमें से जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सेक्शन 10 पर, जिसमें कि मैंने ये क्लियर किया था आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक SRA का रूट था। SRA के रूट में सेक्शन 10 में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो हमें ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, वहाँ वर्ड शैल का यूज़ किया गया है। लेकिन मैंने उसमें आपको कहा था कि एक पार्ट छोड़ने को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूं, वरना मेरे चैनल पर जाकर SRA का सेक्शन 10 सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्शन 10 में 3 सेक्शंस को बेसिकली डिस्कस किया गया है। अगर मैं आपको एक बार सेक्शन 10 में से बताऊं तो वो सेक्शन है 11 क्लोज टू 14 एंड 16। इनको समझने के लिए आज हम बात करेंगे सेक्शन 14 की और सेक्शन 20 की। देखिए 16 में यहां आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 14 एंड 16। जैसे ही हम सेक्शन 14 या 16 को पढ़ते हैं, वहां हमें डील करता है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर एक अलग परफॉर्मेंस की जो बात करते हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस निकलती है, तो उसको समझने के लिए सेक्शन 20 पढ़ा जाता है। तो वो सेक्शन 20 है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्शन 14 और उसके बाद सेक्शन 16। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा। एक बार रिपीट करता हूं, सेक्शन 10 जब हमने पढ़ा उसमें हमारे पास 3 सेक्शन मेंशन है, 11, 16 एंड 14। ये 3 सेक्शन है, या अगर मैं सीरीज में बोलूं 11, 14, 16। लेकिन जब हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं, 14, 16 और 20, ये 3 सेक्शन है जो एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि जब आप 14, 16 पढ़ेंगे उनके साथ ही सेक्शन 20 पढ़ा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया है। सेक्शन 20 को अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 20 हमारी बात क्या करता है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक बात समझा दूं, इस सेक्शन का मतलब क्या है। जब हम पढ़ते हैं SRA, SRA का बोलता है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज की, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, एक एग्रीमेंट की। जब किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, उसको कंप्लीट करवाने के लिए वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालता है कोर्ट के अंदर, और वहां से उसको एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री मिलती है और कोर्ट डायरेक्शन देती है दूसरी पार्टी को कि आप इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें। लेकिन इससे हटके एक अल्टरनेटिव बात क्या करते हैं, सेक्शन 20 करता है। सेक्शन 20 में क्या कह दिया कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं करवानी, आप कोर्ट के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, मत जाइए। लेकिन आप क्या करिए, यहां पर आप एक काम कीजिए, उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर आपका पूरा नहीं करता उसको छोड़ दें, आप किसी दूसरे पर्सन से, मतलब किसी थर्ड पर्सन से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा ले, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसका आप कंपनसेशन ले ले, वो मुआवजा ले ले, और उसके साथ साथ आपको जो हरासमेंट हुई है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, उसके लिए आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। दो चीजें यहां पर ले सकते हैं, एक सबसे पहली कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया, और दूसरा जो कंपनसेशन है। ये आपको क्रक्स मैंने बता दिया। इसको लेने के लिए आपको दूसरी पार्टी को, जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नोटिस देना पड़ेगा, जो कि 30 दिन का होगा। अब मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ के बताता हूं बेयर एक्ट के अंदर क्या क्या वर्डिंग कैसे यूज की गई है, हमें इसे कैसे समझना है। सेक्शन 20 आप खोल लें बेयर एक्ट का, पढ़िए मेरे साथ। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग है इसकी, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक हेडिंग ही क्लियर करती है हमें। उसके बाद क्या लिख दिया, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विदाउट प्रिजुडाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा गया है हमारा, वो यहां पर किसी भी वे से नल एंड वॉइड नहीं होगा, वो लगेगा, वो साथ के साथ चलेगा, ऐसा नहीं है कि उस पर ये इफेक्ट करेगा, उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा सेक्शन 20 का। एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस By any party, the party who suffered by such breach shall have the option. मतलब उसके पास option है ही है, ऐसा नहीं है कि उसके पास दूसरी option नहीं है। Shall have the option of substituted performance through a third party, जो कि मैंने आपको क्रक्स में बता दिया था, किसी third party के through वो substituted performance करवा सकते हैं, और by his own agent, या third party से नहीं करवाना, मान लो अपने ही agent से करवा लिया। And
recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committed such breach. यहां तक जो पहला पैरा है ये मैंने आपको सारा का सारा क्रक्स बता दिया था कि आप थर्ड पार्टी से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ आपका जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट इनकर हुआ है या कोई और एक्सपेंस आया है, वो सभी आप वहां पे रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है, देखिएगा। नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर्ड सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ये क्या बोलता है अभी तक यहां पर कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी से करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर चलते हैं, ए एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को बोला कि मेरा आप ये घर बनाकर दे दें एक साल के अंदर। वो जो पर्सन है उसका घर नहीं बनाता, फिर ए क्या करता है, उस बी पर्सन को एक लीगल नोटिस देता है 30 दिन के टाइम पीरियड का। उसमें वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बनाना शुरू करें और मैं आपको 30 दिन का टाइम पीरियड देता हूं। वो 30 दिन के टाइम पीरियड के अंदर आप किसी थर्ड पर्सन से वो घर बनवाना शुरू नहीं कर सकते। ये इसका एक बेसिकली लूप है। जैसे कि देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इमीडिएट इफेक्ट में लाना जरूरी है, जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एट द स्पॉट करवानी है, अगर आप 30 दिन रुक गए तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वहां पर भी लेकिन आपको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी इसमें कमी निकलती है। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑन हिज रिफ्यूजल और फेलियर टू डू सो ही मे गेट द सेम परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। वही बात, अगर वो दूसरा पर्सन जिसको हमने पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फेल हो जाता है उसे पूरा करने में, या फिर वो उसका जवाब नहीं देता है, तो हम किसी थर्ड पर्सन से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन करवा सकते हैं। यहां पे हमने पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। इसका जो लैक निकलता है दूसरे पॉइंट का, वो 30 दिन के टाइम पीरियड का ही है कि 30 दिन का टाइम पीरियड देना कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर लिखा है नॉट लेस देन 30 डेज, मतलब कम से कम 30 दिन का आपको नोटिस वहां देना पड़ेगा। अब आते हैं हम इसमें प्रोवाइडेड में। प्रोवाइडेड द पार्टी हु सफर्ड सच ब्रीच शैल नॉट बी एंटाइटल टू रिकवर द एक्सपेंस एंड द कॉस्ट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ही हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। कहने का मतलब प्रोवाइडेड ये कह दिया कि अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे किसी थर्ड पर्सन से पूरा नहीं करवाया तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहां पर ये क्लियरली मेंशन है, आपको वो दूसरी किसी और पार्टी से कंप्लीट करवाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। तो यहां क्या कह दिया इसमें थर्ड पॉइंट में कि अगर आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी थर्ड पर्सन से कंप्लीट करवा लिया तो आप वो जो पार्टी ओरिजिनल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो जो ओरिजिनल पार्टी है मतलब बी पर्सन, वो कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं डाल सकता क्योंकि उसको एक रीजनेबल नोटिस दिया गया था जिसकी उसने कंप्लीशन फुलफिलमेंट नहीं की। अब यहां पर आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच। सिंपल सी बात है जो कि मैंने आपको क्रक्स में बताया था कि वो जो पार्टी है उसका कंपनसेशन का राइट यहां किसी भी वे में कैंसिल नहीं होगा। कंपनसेशन के लिए अंडर सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि यहां से आपको सेक्शन जो 20 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको ये कंप्लीट सेक्शन समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 है, इसके साथ ही पढ़ना है। देखिए सेक्शन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है। यहां कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल कौन से नहीं होंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि ए बी सी डी करके हैं, चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहला नेमली व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। ये तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने आपको सेक्शन 20 पढ़ाया था सबसे पहले, क्योंकि 14 में यहां पर ये क्लियर कर दिया कि आपको अगर सेक्शन 20 के अंदर कोई अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस करवा ली है तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं बी पॉइंट पर। अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी
विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। यहां ये पॉइंट क्लियर करता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी बनती है, तो वहां पर कोर्ट जो है आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्रांट नहीं करेगी। देखिए, मान लीजिए एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए का बी के साथ। उसमें यह था कि आप हर महीने मेरे यहां पर आकर काम करेंगे या हर महीने आप मुझे ये सामान देंगे। किसी महीने बीच में उसने सामान नहीं दिया बी पार्टी ने ए को, तो ए क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालेगा कि जी बी ने मुझे सामान नहीं दिया। तो क्या होगा, कोर्ट उसे ग्रांट कर देगी कि आप उसको सामान दे। आपके माइंड में तो यही आएगा कि हाँ उसे ग्रांट कर दो, लेकिन कोर्ट उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखेगी, कोर्ट देखेगी कि ये तो हर महीने सामान देने की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बारी का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मुझे 10 क्विंटल सोना दोगे, 10 क्विंटल चांदी दोगे। आई नो कि मैं एक बहुत बड़ा मजाक कर रहा हूं ये, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे कि उसने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बी पार्टी के साथ कि आप मुझे इतना सामान देंगे, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट वहां करते ही वो खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि शुरू से और एंड है, स्टार्टिंग और एंड, उसका तो है नहीं, वो कंटिन्यूस ड्यूटी है। तो वहां कोर्ट कहती है कि जहां एक कंटिन्यूस कोर्ट की हमारी ड्यूटी बन जाएगी कि हम हर महीने देखते रहें कि आपको सामान मिला, आज मिल गया, कल मिल गया, तो ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट के पास और भी बहुत सारे काम है भैया, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां कंप्लीट एसआरए के अंदर नहीं करवा सकते, तो वहां आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं मिलेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट सी पे, वो क्या कहते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैनॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग हट के बात करता है कुछ। ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, एंड टू एंड है, सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, पार्टी एग्री कर रही थी सामान देने को, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने को, और वहां पर क्या हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते करते उसने बीच में करना बंद कर दिया, तो वहां क्या होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को उसने सूट डाल दिया, लेकिन कोर्ट उसको देगी नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके अंदर उसकी पर्सनल स्किल्स जुड़ी हुई हैं। पर्सनल स्किल्स कहाँ जुड़ी होती हैं, जैसे कि कोई डांसिंग परफॉर्मेंस है, वहाँ पर्सनल स्किल्स हैं, टीचिंग है, पर्सनल स्किल्स हैं, कोई आर्ट एंड वर्क का काम है, पर्सनल स्किल्स हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, जहाँ वो इंसान को दूसरे को एनफोर्स नहीं कर सकती कोर्ट। कोर्ट कैसे कह देगी कि आप ये सामान हमें ठीक बना के दे देंगे, आप आगे से ठीक से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी विल है, आप अपने आप से करेंगे वो, तो उसके अंदर जो है एक मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, तो वहाँ एक कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ग्रांट नहीं देगी। इसके लिए मेरे पास एक शायद केस लॉ है, मैं आपको वो प्रोवाइड करना चाहूंगा, 14 क्लोज सी के अंदर। हाँ जी, लिख लीजिए आप, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राकेश झा, दिल्ली 2017 हाई कोर्ट का। पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राकेश झा, दिल्ली 2017 हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या हुआ, एक टीचर ने कोचिंग सेंटर पर बीच में पढ़ाना बंद कर दिया। वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा था कि आप हमारे जब पढ़ाएंगे तो उसके 2-3 साल तक, कुछ टाइम पीरियड मेंशनड है, उस टाइम तक आप कहीं और पढ़ा नहीं सकते। लेकिन टीचर क्या करता है, बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तो वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, कोर्ट कहती है कि वहां हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वहां टीचर की पर्सनल स्किल जुड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट उसमें एक दूसरी बात कहती है कि जहां वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि आप दूसरी जगह पर नहीं पढ़ाएंगे, कहीं और, उसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं दे सकते हैं, वो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वो आपको माननी पड़ेंगी बातें। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, क्लॉज डी पर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। क्या मतलब समझिए इस बात से, यहां वर्ड है डिटर्मिनेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी नेचर से ही डिटर्मिनेबल है, डिटर्मिनेबल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट से ही समझ आ जाए, अपने आप से ही कुछ बोलती हैं जो चीजें, वो हो गया डिटर्मिनेबल। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सिर्फ ये कहा कि हम एक पार्टी के अंदर, ये कंपनी के अंदर हम पार्टनर्स हैं, हम एग्री करते हैं कि ए बी सी हम तीनों पार्टनर हैं, और उसके अलावा कोई भी एक लायबिलिटी का क्लॉज कुछ भी ऐड नहीं करा, तो वहां क्या हुआ, इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल है कि अगर कोई लायबिलिटी आती है, कोई पर्सन बीच में छोड़कर चला गया, तो उसकी कोई लायबिलिटी एक पर्सन की नहीं बनेगी। एक एग्जांपल, ए बी सी ये तीनों पार्टी हैं कंपनी की,
और वो कंपनी एक किसी ई पर्सन एक्स पर्सन के साथ, ए बी सी पर्सन है, किसी एक्स पर्सन के साथ एग्री करते हैं कि हम आपको ये सामान बनाकर देंगे। लेकिन बीच में क्या होता है कि जो मिस्टर बी है वो छोड़कर चला जाता है, तो जो ए और सी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा गया कि अगर कोई पार्टी, कोई हमारा पार्टनर बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, छोड़कर आप बीच में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। तो वहां क्या हुआ, इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल है कि आप वहां छोड़कर चले भी गए तो आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, और वहां पर कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है नहीं प्रोवाइड करेगी। तो आई होप कि यहां से आपको ये जो डी पॉइंट है ये क्लियरली समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से जो ये दोनों सेक्शंस मैंने बताए हैं, सेक्शन 20 और सेक्शन 14, इनकी एक हिस्ट्री भी है, ये पुराने सेक्शंस हैं लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको 14 का बता देता हूं बेसिकली, जो कि एक पढ़ने लायक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो सेक्शन 14 है, आपने बेरेट में देखा होगा एक बहुत बड़ा नीचे डिक्टेशन दी गई है, इसके अंदर 14 का जो क्लॉज 1 है वो जो है एक उसमें से कुछ पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की आपको नोटबुक में नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो सेक्शन 14 का 2018 से पहले का है उसके अंदर सेक्शन 14 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 वो कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए थे, उन दोनों क्लॉजेस को कंप्लीटली डिलीट किया गया था, और जो सेक्शन 14 का क्लॉज 1 है उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिलीट था, पॉइंट नंबर ए जो कि रिमूव कर दिया था, और बी सी डी ये क्वाइट सिमिलर हैं, इनको किसी न किसी वे में यहां पर हमारे में यूज किया गया है। तो आई होप कि यहां से आपको जो एक थोड़ी सी एक हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी 2018 से पहले की, ये भी आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आप इसे पसंद करते होंगे। पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।